दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में आइए आज हम जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि संसार में हम कहाँ हैं और इस स्थिति को हम जब सैटेलाइट के माध्यम से ज्ञात करते हैं तो उसे जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। और आज के दौर में ये जीपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, यानी कि हर कोई इसके बारे में जानता है, क्योंकि कुछ समय से हमारे मोबाइल फोन में जीपीएस की सुविधा दी है और उससे हम पूरे संसार का मैप देखते हैं, देख सकते हैं और कहाँ पर कौन सी चीज है या कौन सा स्थान किस जगह पर स्थित है, कोई आदमी कहाँ पर है उसके बारे में हम देख सकते हैं और उसे बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना आसान आज है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल से मनुष्य इस पायदान तक पहुँचा है और यहाँ तक बहुत ही पैसे खर्च करके मनुष्य ने ये कामयाबी हासिल की है। तो इसके पीछे हम जब देखते हैं तो ये एक डेट हमें मिलती है, यानी कि 1951 में सबसे पहले डॉक्टर इवान ने त्रिबिंबीय स्थिति प्राप्त करने के लिए एक रेडियो सिग्नल के समय और सिग्नल की दूरी के बारे में जो है वो पता किया। यानी कि सबसे पहले जो था वो डॉक्टर इवान ने ये पता किया कि किस तरह से जो रेडियो सिग्नल है उन्हें भेजा जाता है, उनकी चाल कितनी है, उनके चाल के समय को यदि काउंट कर लिया जाए और तीन जगहों से यदि कहीं पर एक स्थान पर तीन जगहों से रेडियो सिग्नल भेजे जाए तो वो उस जगह को जो है वो ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि उस जगह की स्थिति को पता किया जा सकता है और ये निश्चित हो सकता है। तो ये इस तरह की खोज सबसे पहले डॉक्टर इवान ने की थी। वहीं जब 1973 ईस्वी का समय आया तो एक और खोज हुई। 1973 ईस्वी में ये डॉक्टर ब्रेड पार्किंसन थे, इन्होंने जो था 1973 में डॉक्टर ब्रेड डॉक्टर ब्रेड पार्किंसन और ये अमेरिका के थे, इन्होंने नैप स्टार नामक एक खोज का जो है वो आगाज किया था। ये वायुसेना के अधिकारी थे तो इन्होंने एक नैप स्टार नामक एक नेविगेशन सिस्टम का विकास किया था। वहीं सैटेलाइट स्थित पहला जो था वो सैटेलाइट हमारा भेजा गया था वो 1978 में पहला नेविगेशन सैटेलाइट भेजा गया और जिस सैटेलाइट के अंदर जो था एटॉम क्लॉक यानी के एटॉमिक घड़ी को फिट कर दिया गया, जिससे के जमीन पर आने वाली जो रेडियो सिग्नल है उन रेडियो सिग्नल की चाल और उसके जमीन पर पहुंचने के जो समय है और उस दूरी को ये घड़ी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेती है, क्योंकि इसमें जो है समय को सेकेंड के बहुत ही नैनो सेकेंड यानी छोटे छोटे समयों में विभाजित किया जाता है और ये सम घड़ी बहुत ही सटीक होती है और इसमें जो बदलाव होने की चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, यानी कि ये घड़ी लेट नहीं होती। इसीलिए आकाश में जो है वो घूमते हुए ये सैटेलाइट और इनकी घड़ियाँ ये एकदम सही और एक्यूरेट समय पर चलती रहती हैं। तो ये 1985 तक जो सैटेलाइट जो भेजे गए, पहला सैटेलाइट गया था, प्रथम उपग्रह गया था और ये 1985 तक जो था वो हमारे अमेरिका ने 10 उपग्रह भेज दिए थे और इन 10 उपग्रहों से जो था पूरे संसार का काम नहीं चल सकता था, यानी कि एक समय में पूरे संसार को ट्रैक नहीं किया जा सकता था, इसलिए इससे कुछ तो ट्रैकिंग सिस्टम सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम विकसित हुआ, लेकिन
इनसे इतना सैटेलाइट सिस्टम नहीं विकसित हुआ। तो पता लगाया कि लगभग कम से कम 23 सैटेलाइट आकाश में होने ही चाहिए। तो इस 23 सैटेलाइट का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को 1994 तक प्राप्त कर लिया गया है। यानी कि 1994 तक 24 सैटेलाइट जो थे वो अंतरिक्ष में भेज दिए गए हैं। और इन अंतरिक्ष में जब 24 सैटेलाइट भेज दिए गए और सभी सैटेलाइट जो थे वो पूर्णतया कंप्यूटरीकृत थे और इनके अंदर जो था वो रेडियो सिग्नल भेजने की क्षमता थी, तथा इनमें जो घड़ी लगी हुई थी एटॉमिक घड़ी, वो सब घड़ी एक से ही चलती थी। यानी कि ये सारे सिस्टम जो था वो एक दूसरे से संबंधित था और इनका जो समय था वो एकदम निश्चित और फिक्स समय होता था। और इनके द्वारा भेजे गए रेडियो सिग्नल पृथ्वी पर जैसे ही प्राप्त होते थे तो उससे उस स्थान की जो है वो पोजीशनिंग सिस्टम का पता चल जाता था। वही 1995 में ये पूरी तरह से विकसित हो गया और इससे जो था वो हमारे पृथ्वी को जो है वो ट्रैक करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक घटना होती है हमारे इस पृथ्वी पर 1983 में, यानी कि 1983 में एक एयरक्राफ्ट जो था वो कोरिया से और अमेरिका की तरफ जा रहा था। उसका जो CKAL Call 007 एयरक्राफ्ट था और इस एयरक्राफ्ट जो था वो रूस की एक ऐसी जगह इंटर हो गया कि जो के निषेध क्षेत्र था उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था। तो वहां पर रूस ने उस एयरक्राफ्ट को मार कर गिरा दिया। तो इसमें लगभग जो सवारी मौजूद थी वो सारी की सारी सवारियां मर गईं और इस त्रासदी को अमेरिका सहन नहीं कर सका। तो उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये सोचा कि इस सिस्टम को जो है वो जनता के उपयोग के लिए भी खोल दिया जाए तो इससे जो है वो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और इसी जो त्रासी की घटना थी उसी को के चलते जो था वो इस नेविगेशन सिस्टम पर अमेरिका ने बहुत अधिक निवेश किया और उस निवेश को चलते 2000 तक इसे जो था वो यानी 2000 ईस्वी तक इस नेविगेशन सिस्टम को 2000 ईस्वी तक इस नेविगेशन सिस्टम को जनता के उपयोग के लिए बना दिया गया और 2004 से इसे जो था वो फ्री उपयोग के लिए खोल दिया गया। यानी कि पूरे संसार में इसका फ्री उपयोग किया जा सकता है। और इस सिस्टम का ये तो थोड़ा संक्षिप्त इतिहास रहा। और ये सिस्टम काम इस तरह से करता है कि हमारी इस पृथ्वी पर जैसे हमारी इस पृथ्वी पर हमें ये स्थान है जो स्थान है और इन स्थानों की अगर पोजीशन ज्ञात करना है तो हमारे लिए मौजूद ये है कि हम इस पृथ्वी के इस स्थान पर भी एक कोई जो है GPS ट्रेकर हो और ये इस स्थान पर GPS ट्रेकर हो और आकाश में जो मौजूद हमारे सैटेलाइट्स हैं तो ये हर समय 4 सैटेलाइट इससे जुड़े हुए रहते हैं और 4 सैटेलाइट उसी समय इससे भी जुड़े हुए रहते हैं। तो इन 4 सैटेलाइटों से इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन जो है वो ज्ञात होती रहती है। जैसे ही ये कोई सैटेलाइट घूमकर बदलता है तो दूसरा सैटेलाइट उसका काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये इतने फास्ट होता है कि हमें जो है वो एकदम लगातार उसकी पोजीशन ज्ञात होती रहती है। अब पृथ्वी पर पूरे संसार में जो है पूरे संसार का एक मैप जो है वो इसने फिट कर दिया है। यानी कि इस संसार में कौन सी चीज कहाँ है इसे इन सैटेलाइट्स में फिट कर दिया गया है। विश्व का मैप और विश्व के टाइम की जो घड़ी है वो इन सैटेलाइटों में फिक्स है और उसी मैप के सहारे कोई भी अब GPS किसी भी पॉइंट पर रहकर और वो अपने पॉइंट पर स्थित किसी वस्तु का नाम लिखकर और वहां पर जब भेज देता है तो वो हमारा एक सिस्टम उसमें वो अंकित हो जाता है। और जब कभी हम उसी नाम को डालकर जब हम सर्च करते हैं तो उस नाम से और हमारी पोजीशन को
जो है वो सैटेलाइट हमारे मोबाइल को ट्रैक करते हैं और उसे ट्रैक करके और उसके बीच की जो दूरी है वो हमें बता देते हैं, यानी कि इस दूरी का कैलकुलेशन करके हमें बता देते हैं कि कितने किलोमीटर दूर है या कितने मीटर दूर है। और वहीं अगर हम चलते हैं तो इस मूविंग का भी ये जो है कैलकुलेशन करके हमारे मोबाइल पर या हमारे ट्रैकर पर जो है वो बताते हैं कि ये आप किस स्पीड से चल रहे हैं तो आपको वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और हमारी चाल मैक्सिमम चाल और औसत चाल के लिए ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस और हमारा जो गूगल मैप है वो काम करता है। गूगल मैप भी जीपीएस के ही आधार पर काम करता है। तो आजकल हम गूगल मैप का प्रयोग करके अपनी यात्राएं करते हैं और कई काम करते हैं। तो इसका जो महत्व है वो आज मनोजीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसे कृषि क्षेत्र में और समुद्र के अंदर रास्ताएं खोजने में, रेल के लेट होने और रेल के आवागमन में तथा सड़क यातायात में और सर्वे में तथा समय का एक निश्चित निर्धारण करने में और पर्यावरण की सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। यानी कि ये हमारे जीपीएस आजकल हमारे जिंदगी की और हमारे समाज की एक बहुत ही उपयोगी चीज बन गई है और हर कोई इस जीपीएस का उपयोग करके अपनी रास्ताएं खोजता है या अपने किसी स्थान को खोजता है। जब कभी हम कहीं पर फंस जाते हैं और यहाँ हमें होटल या एटीएम या और कोई चीज जरूरत पड़ती है तो हम जीपीएस से उसे ट्रैक कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि हमारे नियर में कौन सा एटीएम है या कौन सा होटल है या कौन सा अस्पताल है जहाँ पर हम बहुत ही जल्दी जाकर और सुविधाएं वो ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जीपीएस काम करता है और हमारा जीपीएस हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे भारत वर्ष ने भी अपना जीपीएस सिस्टम शुरू किया है, लेकिन भारत वर्ष ने जो अपने 10-12 उपग्रह सेट किए हैं वो केवल भारत के ऊपर भूस्थैतिक उपग्रह हैं, इसलिए केवल भारत की सटीक जानकारी वो देते हैं लेकिन विश्व की जानकारी नहीं देते। विश्व की जानकारी देने के लिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ही का ही ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।